learning today. Our topic is a pair of linear equation in two variables. लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन तो आपको समझ आया, एलिमिनेशन मींस एलिमिनेट यानी निकालना. यानी दो इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन फॉर एग्जांपल इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1. यानी दो इक्वेशन दी हुई है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1. यानी दो वेरिएबल दिए हैं x एंड y. इन दो वेरिएबल में से हमें एक वेरिएबल निकालना है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है. या तो x का हम एलिमिनेट करेंगे या y को एलिमिनेट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन को नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड. तो इनमें जो अब इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं, x के कोएफिशिएंट्स हैं या y के कोएफिशिएंट्स हैं, इनको सेम बनाना है. तो सेम कैसे बनाएंगे हम, या तो इक्वेशन फर्स्ट है ना, इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो इक्वेशन सेकंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1. तो इक्वेशन फर्स्ट को हम लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीपल करेंगे 3 से, क्योंकि 3 का हम वेरिएबल हम सेम बनाएंगे, y का वेरिएबल हम सेम बनाएंगे. तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3. वी हैव, तो हमने इसके मल्टीपल किया 3 से, ये बन गया 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, इट इज़ आर 24. तो और एक इक्वेशन बन गई, इसका हमने रखेंगे इक्वेशन थर्ड. अब ये इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, अब इसका देखो, इसका है माइनस, इसका है प्लस, तो माइनस प्लस तो हमेशा काटता, तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड. वी हैव 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 24. हम एडिंग करेंगे हम इसको, इनका ऐड करेंगे, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5x, ये और ये कैंसिल, y तो एलिमिनेट, इज इक्वल टू ये बन गया 25. तो अब हमें आसान हो गया, x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 5, 5 वन हज़ार, 5 हज़ार, अब x इज इक्वल टू 5. तो अब तो आसान है, अब तो एक वेरिएबल हमें निकला, एक x का वैल्यू निकला, तो अब हम इसको पुट करेंगे या इक्वेशन सेकंड में, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, जो आपको आसान लगेगा. यानी इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पर आसान है इक्वेशन फर्स्ट, हम लिखेंगे पुटिंग. जैसे आपने पहले वीडियो में मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, वैसे ही सब्स्टिट्यूट कर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट यानी एक्स के बदले लिखना है हमें 5, तो ये बनेगा 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो ये बन गया y, ट्रांसपोज टर्म करेंगे 8, यहां पर गया माइनस 5, y इज इक्वल टू 3. ओके, गॉट इट, थैंक यू, थैंक्स.